एसएम सिक्कर से निकले थे, फिर हमारे को जयपुर बुला लिया गया। पीछा जो से पहली बात तो कि कल हमारे बिपो प्रशासन ने हमारे को ये बोला कि आपको जयपुर जाके आना है, तो हमने कोई हमारे साथ मतलब ना कोई खाने की व्यवस्था की, न कोई कपड़े, पीछे जाओ नहीं इधर तौलिया वगैरह कोई व्यवस्था नहीं की हमने। हमने सोचा कि भाई कल शाम सुबह जाना अपने को और शाम वापस घर आना है, इस चक्कर में हम यहाँ आ गए। यहाँ आते हमारे लोग सीट ले ली और बोले कि आपको आगरा, किसी को धौलपुर, किसी को दिल्ली, किसी को कहाँ, किसी को कहाँ भेज दिया। ठीक है चलो, हम आके वहाँ भी जाके आ गए। दूसरी बात ये कि वहाँ से आने के बाद में न तो अभी तक गाड़ियों में कोई सैनिटाइज किया, न गाड़ियों में झाड़ू निकाली इन्होंने, और न यहाँ पे सिंधी कैंप पे खाने की व्यवस्था है, न सिंधी कैंप पे नहाने धोने की व्यवस्था है, और न यहाँ पे आराम करने के लिए जगह, न आराम करने की जगह। तीसरी बात ये कि न मतलब सिंधी कैंप के प्रशासन ने यहाँ पर कोई मेडिकल की व्यवस्था, न कोई हाथ धोने के लिए साबुन, न हाथों पे लगाने के लिए सैनिटाइजर, न मुंह पे लगाने के लिए मास्क, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कम से कम 50-60 गाड़ियां खड़ी है जिनके प्रचालक और परिचालकों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और कल मतलब ऐसी हालत थी इन गाड़ियों में, जब हम यहाँ से जयपुर से उधर कोई धौलपुर गया, कोई आगरा गया, कहीं पे गए, मतलब किसी गाड़ी में 70, किसी में 75, किसी में 80 सवारियां, मतलब टूस टूस के सवारियां भर भर के लेके गए थे। अब उनमें चालक परिचालक अपना कितना ध्यान रखे, कौन बीमार है, कौन क्या है, किसी का टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी की हालत, परिचालकों चालकों में अभी स्टाफ में ये हालत हो रही है, किसी का सर दुख रहा है, किसी की उल्टी हो रही है, मतलब यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है।